अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों आज हम जो लेक्चर डिलीवर करने लगे हैं वो बेसिकली न्यू होम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए है या स्टूडेंट के लिए है जो ये समझते हैं कि हमें दवाएं याद नहीं होती, दवाओं की समझ नहीं आती, हम जो भी दवा पढ़ते हैं उसकी अलामत एक दूसरे में गुड़मुड़ हो जाती हैं। तो ऐसा कौन सा तरीका है कि हम दुआ को जहन नशीन कर लें, हम दुआ को समझ लें, दिमाग हमारे दिमाग में दुआ बैठ जाए, ताकि जैसे ही कोई पेशेंट हमारे सामने आए और चंद अलामात पूछने पर वो दुआ हमारे सामने आए और हम मरीज को वो दुआ देकर शफा याब कर सकें। असल में दोस्तों बात यह है कि सबसे पहले आप दुआ का थेरापीटिक्स पढ़ें। जब आप दुआ का थेरापीटिक्स पढ़ेंगे तो फिर आप महसूस करेंगे कि इस दुआ में बार बार किस चीज़ का ज़िक्र किया जा रहा है, क्या उसकी कमी बेशी का ज़िक्र किया जा रहा है, क्या मौसम की शिद्दत का ज़िक्र किया जा रहा है, क्या किसी टाइम का ज़िक्र किया जा रहा है, या कौन से ऐसे हालात हैं जिनका दुआ पढ़ने में बार 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 ज़िक्र हो रहा है, क्या मरीज की जनरल सिम्टम के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है, क्या मरीज़ की ज़हनी अलामात पर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। जैसे ही आप समझें कि इस दुआ में मेंटल सिम्टम सबसे ज़्यादा वाज़े हैं, जैसे कि पलथाटीला है, नक्समीका है, या उनका रवैया के रवैया ऐसा है कि जिसका बार बार ज़िक्र हो रहा है कि ये बतूनी है, ये खामोश है, ये बेशरम है, ये हर बार मुंह पे बोलने वाला है, ये किसी का इज्जत लिहाज करने वाला नहीं। ये चीज़ें आपने जहन नशीन करनी है कि मरीज़ सुस्त है या मरीज एक्टिव है, चुस्त चलाक है या वो सुस्त है, जैसे कि आर्सेनिक है और दूसरे नंबर पर ब्राइयोनिया है, जल्सीमियम है, कि ये चीज़ें आपने ज़रूर जहन नशीन करनी है। या दवाई जैसे कि ब्राइयोनिया है कि इसकी हर अलामत के साथ बार बार एक ही बात का ज़िक्र आता है कि हरकत से ज़्यादती, हरकत से ज़्यादती, दबाने से सुकून। तो इसका मतलब यह है कि ये दुआ एक ऐसी दुआ है जब भी इसको हम प्रिस्क्राइब करेंगे, हम इसको मरीज़ के लिए चुनाव करेंगे तो इसकी कमी बेशी में करेंगे। एकोनाइट है, एकोनाइट में हम ये देखेंगे कि खुश्क सर्दी, खुश्क गर्मी या अचानकपन, ये दो अल्फाज आप में नहीं भूलने। इसका मतलब है कि ये सीजनल मेडिसन है और खुश्क सर्द हवा लगने की वजह से जो तकलीफ़ें आती हैं अक्सर तकलीफ़ें ये एकोनाइट की होती हैं। फिर कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी जसामत के हवाले से होती हैं, जैसे कि क्लिकिरिया काब है, क्लिकिरिया का मोटा पिलपला पसीना आता है, ठीक है, उस पर हम दुआ कर सकते हैं। बाद में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि नक्समीका है, टनटोला स्पानिया है, और भी बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जिनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये दुआ किस किस आर्गन पे असर करती है। इस दुआ में जब हम दुआ को पढ़ रहे हैं तो इसमें कमी बेशी को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है या किसी ख़ास आर्गन के मतलब इसकी ज़्यादा तशहीर की जा रही है, जैसे बर्बरसिल ग्रस है, जोड़ों की दर्दों की बात साथ पेशाब की तकलीफ़ होगी, ठीक है। इसी तरीके से मुख्तलिफ अद्वियात हैं, आपने इन पर भी नज़र रखनी है और ये बातें आपने अपने जहन में बिठानी है। सारी दवाई जहन में बिठाने की ज़रूरत नहीं होती। शुरू शुरू में कैमोमिला है,
कैमोमिला के मजाज पे हम देखते हैं कि चिड़चिड़ा है, इरिटेबल मूड है इसका, ये हर एक को गुस्से से देखता है, कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, छोटी तकलीफ को ज़्यादा महसूस करता है। लेक्सिस है। अब हम ये भी देखते हैं कि ये इस दुआ का सोर्स कौन सा है। अगर आपको सोर्स का पता चल जाए तो आपको आधी दुआ याद हो जाती है। कैसे? जैसे लेक्सिस है कि लेक्सिस का सांप किस वक्त डसता है और क्यों डसता है। तो हमने देखा कि लेक्सिस का सांप अक्सर औकात रात के वक्त किसी पे हमलावर होता है, तो इसकी तकलीफ है सारी की सारी रात के वक्त, नींद के वक्त, नींद में या नींद के बाद होती है। तो इस तरीके से आपको मेन मेन चीज़ों का पता चल जाएगा कि अगर सोर्स के हवाले से आपको ये पता हो कि ये दुआ किस चीज़ से बनी है। फिर हम ये भी देखेंगे कि ये दुआ एक जड़ी बूटी से बनी है, ये दुआ एक मादनियात से बनी है, मिनरल से बनी है, या ये दुआ एनिमल किंगडम से ली गई है, यानी कि किसी जानवर की किसी रुतूबत से या दूध से या किसी चीज़ से बनी है। अब अगर हम देखें इनकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन करें तो जितने भी बोटानिकल अद्वियात हैं वो तमाम की तमाम सॉयल लाइकोपोडियम के, वो सारी मुख्तसर असर रखती हैं और जिस्म की गहराई में, ज़्यादा गहराई में नहीं जाती। क्यों? इसकी वजह यह है कि जो जड़ी बूटी होती है वो ज़मीन की सतह के ऊपर होती है और जितनी मिनरल दुआएँ हैं वो तमाम की तमाम बहुत गहरा असर रखती हैं और लंबा असर रखती हैं। क्यों? क्योंकि जब एक मादनियात ज़मीन के, सबसे पहले तो यह है कि ज़मीन की गहराई में होती हैं, इसलिए ये जिस्म की गहराई में असर करती हैं। इसके बाद कि एक दाग को ज़मीन में रहते हुए हज़ार लाख करोड़ साल गुजर गए, फिर उसने अपनी शक्ल वज़ा की और उस शक्ल में होते हुए भी उसे ज़मीन के अंदर ही रहना पड़ा। तो लिहाजा जितने भी मिनरल दुआएँ हैं वो तमाम की तमाम गहराई में असर करती हैं और लंबा अरसा तक असर करती रहती हैं, जैसे सल्फ़र है या जितनी भी सिलीनियम है, ऑरोमेट है, कोई भी दुआ है, ये गहराई तक असर करती हैं और लंबा अरसा तक जिस्म के ऊपर अपना असर कायम रखती हैं। और ऐसी तमाम अद्वियात जो जहरीले जानवरों से बनी हैं, जैसे टंटोला स्पानिया है, लेक्सिस है, वाइपरा है, ये कुछ अद्वियात सांपों से बनी हुई हैं कि सांपों के डसने से इंसान मौत के मुंह में चला जाता है और मौत के मुंह में जाते हुए इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसी तरीके से ये ऐसे अमराज में इस्तेमाल होती हैं जो जिस्म में गहराई में होते हैं लेकिन जल्द ही फाइनल कर देते हैं कि इंसान जिंदा रहेगा या मुर्दा रहेगा, यानी कि इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन टाइम थोड़ा होता है लेकिन ये जिस्म की गहराई तक असर करती हैं। दोस्तों चंद चीज़ें, दुआ का सोर्स, दुआ किस आर्गन पे असर करती है, ज़्यादा उसकी एफिनिटी किस आर्गन पे है, ये किस मौसम की दुआ है, ये किन हालात में पौधा पैदा होता है और ये इसकी अक्सर दुआओं में काज के मुतल्लिक लिखा गया है,
कि जैसे डलका मारा है वो नमी वाले मौसम में उसके अमराज ज़्यादा होते हैं। कुछ अद्वियात हैं उनके असरात खुश्क मौसम में ज़्यादा होते हैं। तो आपने ये तमाम की तमाम बातें अपने जहन में रखनी हैं और इस तरह आपके लिए आसानी होगी कि आप एक दुआ से दूसरी दुआ को अलहदा कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि मरीज ब्रायनिया का हो लेकिन वो बहुत चुस्त चलाक और एक्टिव हालत में हो, क्योंकि उसकी नेचर में सुस्ती लिखी हुई है। जलसीमियम है वो भी सुस्त होगा, उसके नेचर में भी सुस्ती है, उसके पट्ठे ढीले डाले होंगे, डलनेस उसमें बहुत ज़्यादा होगी, ओपियम है। और इसी तरीके से कुछ अद्वियात हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जैसे टेंडोला हस्पानिया है, आर्सेनिक एल्बम है, ये मरीज टिक्के नहीं बैठते, ट्यूबरकुलिनम है, ये मरीज हमेशा आपको एक्टिव हालत में मिलेंगे। फिर उसके अलावा कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनमें खास अलामत होती है जो कि आम हालात में नहीं पाई जाती, जैसे कि मुंह खुश्क होना और प्यास होना, प्यास ना होना, यह पल्सटिला की अलामत है, और मुंह तर होना और उसके साथ शिद्दत के साथ प्यास होना, यह मरसाल की अलामत है। तो दोस्तों, आप जब भी किसी भी दुआ का थेरापिटिक्स पढ़ें तो उसको ध्यान से पढ़ें, याद ना करें, समझें, समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या चीज़, किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर आप सिर्फ इन दो तीन चार बातों को ध्यान में रखेंगे और ये बातें जहन में रख कर दुआ का मुताला करेंगे तो इंशाल्लाह एक तो दुआ आपके जहन से महव नहीं होगी, आपको भूलेगी नहीं, दूसरे नंबर पे कि आपको दुआ के एक्शन का सही और उसकी दुरुस्त सिमत मालूम होगी। दुआ को आपने याद नहीं करना, दुआ को समझना है, और ये जो मैंने चंद पॉइंट बताए हैं इन पॉइंट को मद्देनजर रखकर आपने थेरापिटिक्स पढ़ना है, और उसके पहले उसके बाद आपने इन डिटेल दुआ की भी स्टडी करनी है, क्योंकि अगर बुनियादी बातों में आपने दुआ को जांच लिया तो फिर उसकी तस्दीक के लिए आपको छोटी छोटी अलामात उसको जानना ज़रूरी है। लेकिन चूंकि ये वीडियो न्यू कमर के लिए है या ऐसे डॉक्टरों के लिए है जिन्हें दुआ पढ़ने के बाद समझ नहीं आती, तो ये एक डॉक्टरों के लिए तोहफा है। दोस्तों, मैं इसी के साथ इजाज़त हूँगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, और उस वक्त तक आप इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।